सेवैया बनाने के लिए मैंने ये सेवैया ली है। बेसन लिया है, प्याज, धनिया, हरी मिर्ची और हरी प्याज के पत्ते, टमाटर, नींबू, जीरा और राई। पहले हम बेसन में थोड़ी सी मिर्ची डालनी है, थोड़ा सा नमक, मीठा सोडा थोड़ा सा और बॉन के लिए थोड़ा सा तेल डालना है। अब इनको गट्टे का शेप देना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इनको अच्छी सी लोई बनानी है। पहले अब इस बेसन को इस तरीके से ये शेप देना है। मैंने ये गट्टे बना दिए इस टाइप से बनाने हैं सारे। एक ऑन कर लो, एक चम्मच तेल डाल दो, तेल आने आ जा। फिर इसमें सेवैया सेकनी है। इस टाइप से अब हमारी सेवैया सिक गई है। ये गैस ऑफ कर दो। ये मैंने तेल डाल दिया, तेल गर्म आ जाओ तो फिर इसे गट्टे इसमें तलने हैं। तेल आ गया है अपना, अब इसमें ये गट्टे तलने हैं इस टाइप से। अब ये गट्टे तल गए अपने। अब इसमें जीरा, राई और ये प्याज डालना। हरी प्याज के पत्ते, मिर्ची अच्छे से इनको जब तक गुलाबी नहीं हो बनाते रहो। अब टमाटर आधा चम्मच, एक चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक और एक चम्मच मिर्ची, इन सबको मिला लें। पानी डाल के
थोड़ा सा मसाला पका लो। अब इसमें गट्टे डालने, सोया, अच्छे से मिला ले। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, ढक्कन लगा के 5-10 मिनट के लिए रहने दें कम आंच में। अब हमारी सेवइयां तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये धनिया डाल दो। आपको हमारी सेवइयां पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं।